नमस्ते, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ फूड हेल्थ एंड ब्यूटी में। आज हम बनाने वाले हैं लौकी की एक बहुत ही टेस्टी सब्जी, जिसे हम बनाएंगे लौकी और कोकोनट मिल्क के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल हमारा थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे राई, इसे चटकने देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 प्याज जिसको मैंने यहाँ पे चॉप करके लिए हैं, बारीक चॉप करके इसमें आप प्याज डाल दें। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे ग्रीन चिलीज और कड़ी पत्ता। ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, जितना आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से ग्रीन चिली डालिए। और यहाँ पे मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते भी ऐड कर दिए हैं। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, जब ये हल्का सा ब्राउन कलर होना शुरू हो जाए उसके बाद इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट इस्तेमाल किए हैं। अब हम अदरक लहसुन की कच्चा स्मेल जाने तक इसे कुक करेंगे। प्याज को यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें अदरक और लहसुन की कच्चा स्मेल जाने तक कुक कर लेना है। अब प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन कलर हो चुका है, अदरक लहसुन की कच्चा स्मेल भी जा चुका है। इस वक्त हम डाल देंगे इसमें लौकी। मैंने लौकी को इस तरह के पीसेस में कट करके लिए हैं। आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप बड़ा काट सकते हैं या फिर इसे छोटा भी कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे नमक और हल्दी लौकी की क्वांटिटी के हिसाब से, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालें और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दें। एक बार हमें हल्दी और नमक को अच्छी तरह से लौकी में चला लेना है ताकि पूरी लौकी में ये कोट हो जाए। बिल्कुल इस वक्त आप गैस की फ्लेम हाई रखें, हाई फ्लेम पे ही चलाएं। लौकी में जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा, पानी होगा, वो सारे ड्राई हो जाने चाहिए। लौकी में से जो एक्स्ट्रा पानी निकलेगा वो ड्राई हो जाने के बाद आप इसे ढक्कन ढक लें और इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दें ताकि हमारी जो लौकी है वो प्रॉपरली कुक हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे धीमा आँच पे कुक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लौकी हमारा हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। इस वक्त इसे एक बार चला लेंगे, 3 से 4 मिनट के अंदर आप इसे चेक करते रहिए। जब हल्का सा लौकी सॉफ्ट हो जाए इस स्टेज में हम सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे एक बार चला लेंगे, जितने भी हमने ड्राई मसाले डाले हैं उसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके डाले हैं। टमाटर को हमें इसमें प्रॉपरली गलाना नहीं है, टमाटर हमारा पूरी तरह से इसमें घुल नहीं जाना चाहिए। टमाटर सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन हल्का सा क्रंच उसका रहना चाहिए, तभी इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो टमाटर को एक बार खुले में चलाएंगे, बिल्कुल ढक्कन नहीं ढकेंगे। और 2 मिनट चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे कोकोनट मिल्क। यहाँ पे मैंने ताजे नारियल को ग्राइंड करके उसका रस निकाला है। आप चाहे तो रेडीमेड कोकोनट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने करीब 200 ml कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया है। अब जो लौकी है जितना भी इसमें कुक होना है वो हम कोकोनट मिल्क में कुक करेंगे। नारियल का दूध ऐड करने के बाद इसमें बॉयल आने तक आप इंतज़ार कीजिए। एक बार बॉयल आ जाने के बाद इसमें ढक्कन लगाइए, अदरवाइज़ जो नारियल का दूध है वो फट जाने के चांसेस हैं। 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल धीमे आंच में कुक करेंगे, जब तक हमारा जो लौकी है वो प्रॉपरली सॉफ्ट नहीं हो जाता है, अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट का वक्त हो चुका है, लौकी हमारा प्रॉपरली कुक भी हो चुका है, नारियल का दूध जो है वो भी रिड्यूस हो चुका है। फाइनली इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार।